बाहुबली कैसे बनी इतनी हिट फिल्म? बाहुबली 3 में कितना होगा VFX का इस्तेमाल? बाहुबली 2 के कौन से सीन में VFX शूट हुए? आज की वीडियो में बात होगी तकनीकों की, जिसमें आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कैसे फिल्म को सुपर फिल्म बनाया जाता है, कैसे एक नॉर्मल फिल्म बाहुबली बनती है। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 के न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े गए थे, जो हमारे थेकस फिल्म की कमाई की रफ्तार अब भी बेहद अच्छी है। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि फिल्म और भी सारे रिकॉर्ड तोड़े अपने नाम करेगी। बाहुबली का पहला साल 2015 में आया था और अब 2017 में उसका दूसरा भाग विदेशों में झंडे गाड़ चुका है। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग कैसे हुई और भयन सीन जिन्हें देखकर आप मोहित हो गए थे, वो कैसे शूट हुए, आज उनकी बात करते हैं। फिल्म के निर्देशन की बात करें तो वो पुष्कर और गायत्री फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, इन्हीं के निर्देशन में फिल्म की ओरिजिनल वर्जन को बनाया गया। बाहुबली 2 को भी इन्हीं की निगरानी में बनाया जा रहा है, लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर कोई डेट सामने नहीं आई। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू की जाएगी। सभी को पता है कि फिल्म का लगभग पूरा हिस्सा ही VFX की शानदार तकनीक से तैयार किया गया है। वैसे इससे पहले भी इसकी मदद से कई फिल्में बनी। अब बाहुबली ने अपने VFX के काम को ये नया अंदाज दिया है। ऐसा काम आप केवल विदेशी फिल्मों में देख सकते हैं। अब बाहुबली 2 की भी कई सीन में VFX की मदद से शूटिंग को अंजाम दिया गया। फिल्म का सबसे शानदार हिस्सा है व्हाइट वाला सीन, जिसमें कि भलाल देव और बाहुबली के बेटे महेंद्र सिंह बाहुबली टक्कर होती है, और ये सीन देखकर आप जरूर तालियां बजा रहे होंगे। वैसे ये सीन असल में कुछ ऐसे शूट किया गया था कि दो लोग एक दूसरे से बड़े मैदान में लड़ाई करते हुए देख रहे, लेकिन वो हॉल था जिसे VFX की मदद से मैदान किया गया था। VFX इफेक्ट करके इसके कारण ये फिल्म पूरी दुनिया में डंका बजा पा रही है। विदेशी मीडिया में भी इसका काम की तारीफ हो रही है। डायरेक्टर SS राजामौली ने इस फिल्म को पिछले साल ही बड़ी हिट फिल्मों में गिना गया था। VFX का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल बाहुबली में किया गया था। वैसे इसका इस्तेमाल फिल्म के पहले हिस्से में भी किया गया था, लेकिन इसके पार्ट की इसकी एक अलग झलक देखने को मिली। बाहुबली का VFX इतना शानदार है जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। फिल्म के एक्शन सीन्स को भी VFX का जबरदस्त प्रयोग किया गया। ग्रिप्स सुपरविजन का काम RC कमानन की देखरेख में हो रहा है, और पिछली फिल्म के जहां 250 VFX जो है शॉट्स इस्तेमाल किए गए थे, वहीं बाहुबली 3 में फिल्म में इसकी संख्या उससे दुगनी हो जाएगी, यानी 2500 से ज्यादा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म का असली हीरो VFX ही होगा। आपको क्या लगता है कि SS राजामौली की सफलता का कारण सिर्फ VFX ही है? क्या SS राजामौली के कहीं नहीं की थी मूवी में कोई मेहनत? आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।